नमस्कार। आज इस मॉडल के जरिए हम आपको सन्निकटन के बारे में या एस्टिमेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये एक बड़ा मज़ेदार खेल है, बच्चे इसे बड़े मज़े से खेलते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं को अंकित किया है, जैसे यह है 10 और इस तरफ आप देख पा रहे हैं 20। 10 और 20 के बीच में ये है 11, 12, 13, 14। यहाँ ऊपर संख्या है 15, ये है 16, 17, 18, 19 और 20। अभी हम करेंगे दहाई का सन्निकटन। दहाई का सन्निकटन कैसे, कि मान लीजिए कोई संख्या 11 पर है, एक संख्या है 11, इसका सन्निकटन 10 होगा या 20 होगा, ये देखने के लिए हमने एक कार को 11 पर रखा और हम देखते हैं कि ये 10 की तरफ को लुढ़क जाती है। इसका मतलब यदि सन्निकटन करना होगा तो 11 का सन्निकटन कितना होगा, 10। यदि इसी कार को हम 12 पे रखते हैं तब भी वो 10 की तरफ को आ जाती है, इसका मतलब 12 का भी सन्निकटन होगा 10। यदि इस कार को 13 पर रखते हैं तब भी ये जो कार है ये 10 की तरफ की ही बढ़ती है, इसका मतलब 13 का भी सन्निकटन है 10। इसी प्रकार से देखिए, 14 पर रखेंगे तो 14 का भी जो सन्निकटन है वो है 10। और ध्यान से यदि आप देखें, यदि मैं इस कार को 15 पर छोड़ दूंगा तो ये कार अपनी जगह से नहीं हिलेगी, इसका मतलब 15 जो है ये 10 और 20 के बिल्कुल मध्य में स्थित है, ना तो ये 10 की तरफ को जाता है ना ही ये 20 के ज्यादा पास है, ये 15 10 और 20 के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसके सन्निकटन का जो तरीका है वो ये है, हम देखेंगे कि इसके पहले वाली संख्या ऑड है या इवन है। यदि ऑड होगी तो इसे अगली संख्या की तरफ माना जाएगा और यदि इवन होगी तो इसे पिछली संख्या की तरफ माना जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें कि यदि इस कार को हम 16 पर रखते हैं तो वह 20 की तरफ को लुढ़क जाती है, इसका मतलब 16 का जो सन्निकटन है वह 20। 17 पे रखूंगा तब भी 20 की तरफ, 18 पे रखूंगा तब भी 20 की तरफ, 19 पर रखूंगा तब भी 20 की तरफ को ही कार लुढ़कती है, इसका मतलब 15 के बाद वाली सभी संख्याएं 16, 17, 18 और 19, इन सभी का जो सन्निकटन है वह है 20। तो कभी भी इस तारा का यदि आपसे पूछा जाएगा दहाई सन्निकटन तो वो क्या होगा, 20। 13 का यदि दहाई सन्निकटन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, 10, क्योंकि 13 10 के ज्यादा पास है, 20 से काफी दूर है। इसी एक मॉडल में हम देखते हैं, अभी तो हमने किया है सिर्फ दहाई का सन्निकटन, यदि हमें करना हो सैकड़ों का सन्निकटन तो ये देखिए हम इस स्लिप को फोल्ड कर देंगे तो इसके नीचे हमने सैकड़ों की संख्याएं भी लिखी हैं। ये है 110, 120, 130, 140। इसी प्रकार से ये मध्य वाली जो संख्या हो जाएगी वो है 150, इधर वाली ये जो संख्या है ये है 160, यह है 170, 180 और 190। ठीक है बच्चों, तो यदि हमने अब दहाई सन्निकटन करना हो, कोई संख्या हमारे पास है मान लीजिए 130, तो हम पूछ सॉरी सैकड़ों का सन्निकटन करना हो, अब 130, अब बताइए 130 का जो सन्निकटन होगा, इसी तरीके से ये भी है 100 और यहाँ पर यह है 200। ठीक है जी, तो यदि हमें सैकड़ों का सन्निकटन करना होगा, ठीक है, और हमारे पास एक संख्या है 130, 130 पर मैं कार रखता हूं तो वो कहाँ जा रही है, 100 की तरफ जाएगी। इसी प्रकार से यदि 160 पे रखूंगा तो वो कहाँ जाएगी, 200 की तरफ, इसका मतलब 130 का जो सन्निकटन है वो है 100, लेकिन 160 का जो सन्निकटन होगा वो 200। हम देख सकते हैं 120 का सन्निकटन होगा 100, 130 का भी सन्निकटन होगा 100, 140 का भी सन्निकटन होगा 100, 150 के लिए ये यहीं पर रहेगा, 160 का जो सन्निकटन होगा वो होगा 200, 170 का जो सन्निकटन होगा वो भी होगा 200, 180 का जो सन्निकटन होगा वो भी होगा 200 और 190 का जो सन्निकटन होगा वो भी होगा 200। अभी हमने किया है सैकड़ों का सन्निकटन। इसी प्रकार से हम इसी एक मॉडल में हजार का भी सन्निकटन कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं जरा इनकी स्लिप्स को थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूं।
तो हम जैसे हमने दहाई का सन्निकटन किया, जैसे हमने सैकड़े का सन्निकटन किया, जैसे हम इसी प्रकार से हम हजार का भी सन्निकटन अभी आपको करके दिखाते हैं। तो ये हो गया 2000 और इस प्रकार से ये यहाँ पर हो गया 1000। आशा करता हूँ कि आप सभी संख्याएं देख पा रहे हैं। यह है 1000, यह है 1100, 1200, 1300, 1400। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1600, 1700, 1800 और 1900। यदि हम इसमें हमने सन्निकटन करना हो तो देखिए, एक संख्या 1400 पर है तो बताइए वो 1000 के ज्यादा पास है या 2000 के ज्यादा पास है। हम 1400 से अपनी गाड़ी छोड़ते हैं तो वो 1000 के पास जाती है। यदि हम 1700 से 1700 से छोड़ते हैं तो वो 2000 की तरफ जाती है। इसका मतलब 1400 का जो 1000 सन्निकटन होगा वो होगा 1000, और 1700 का जो 1000 सन्निकटन होगा वो होगा 2000। तो देखा आपने, इस एक ही मॉडल से हम 1000 का सन्निकटन, सैकड़ों का सन्निकटन और दहाई का भी सन्निकटन कर सकते हैं। हमने सिर्फ 1000, 1100, 1200 लिया। आप इसी प्रकार से 2000 से 3000 के बीच में, 5000 से 6000 के बीच में, 8000 से 9000 के बीच में, या 700 से 800 के बीच में, 500 से 600 के बीच में, इसी प्रकार से हम सन्निकटन प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ सन्निकटन का ये खेल आपको इस एक मॉडल से समझ आया होगा। और ये जो कार है, ये हमारी फिरकी से, अपनी फिरकियों से हमें सन्निकटन समझने में सहायता करती है। धन्यवाद।